मुंबा देवी के नाम से बना है, मुंबई शहर। तो चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। वैसे तो इस मंदिर में रोजाना काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंगलवार को यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। दोस्तों, वैसे तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कई ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक मुंबा देवी मंदिर प्रमुख स्थान है। मुंबा देवी मंदिर की महिमा अपरंपार बताई गई है और मुंबई का नाम भी मुंबा देवी मंदिर के नाम से ही आया है। इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास करीब 400 साल पुराना है। पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि मुंबई आरंभ में मछुआरों की बस्ती थी। इन लोगों को मुंबई में कोली कहा जाता है। कोली लोगों ने बोरी बंदर में तब मुंबा देवी मंदिर की स्थापना की और यह भी कहा जाता है कि देवी की इस कृपा से मछुआरों को समुद्र ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह मंदिर अपने मूल रूप उस जगह बना था जहां आज विक्टोरिया टर्मिनल्स बिल्डिंग है। इसका निर्माण वर्ष 1737 ईस्वी में हुआ था। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मरीन लाइन का पूर्व क्षेत्र बाजार के बीच स्थापित किया गया। उस मंदिर के तीन ओर बड़ा तालाब था, जिसे अब पाटकर बराबर कर दिया गया है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का जमीन पांडु सेठ ने दान में दी थी। दोस्तों, मुंबई की यह ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।